Good morning students, today we will start exercise 8.4. In this exercise we will change, जैसे यहाँ पे पैसे गिवन है हमें रुपीज में चेंज करना है, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर गिवन है वी विल चेंज इनटू ए मीटर, यहाँ पे आपको मिलीमीटर दे रखा है तो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, और ये आपका मीटर है किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, सिमिलरली आपको ग्राम दे रखा है और किलोग्राम में, तो हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले रूल देख लो, अगर आप रुपीज़ को चेंज कर रहे हो किस में पैसे में, तो आपका सिंपल है, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, बट अगर आप पैसे को रुपीज़ में चेंज कर रहे हो तो 1/100 रुपीज़ आ जाएगा। अगर रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, और पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 100। इस केस में हमें पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो पहले ही राइट कर दो आप रुपीज़ में 1 पैसा इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1/100 रुपीज़ के, तो ये हेल्प करेगा। आपका 5 पैसा है तो 5/100, 6 पैसा है तो 6/100, तो इसमें जस्ट हमें डिवाइड करना है किस से, 100 से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 पैसा कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अब इसको डेसिमल में भी चेंज करोगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा 0.05 रुपीज़। सिमिलरली आप इसको राइट करोगे तो आएगा आपका 75/100, अगर 75/100 लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.75 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका 20 पैसा, तो इसको लिखोगे आप 20/100, तो चेंज इनटू डेसिमल, 2 के बाद पॉइंट आ जाना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.20 रुपीज़। अब आपको नेक्स्ट पार्ट अगर करना है तो 50 रुपीज़ दे रखे हैं ऑलरेडी, आपका रुपीज़ में गिवन है, और 90 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है, तो 50 एज इट इज़ रखो प्लस 90 को लिखोगे तो आप 90/100, तो ये हो जाएगा आपका 50.90 रुपीज़। इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, तो पैसे को रुपीज़ में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाई 100। लास्ट पार्ट है आपका 725, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 7.25 रुपीज़। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमें पैसे दे रखे हैं रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100, अगर आपको रुपीज़ दे रखा है देन पैसे में कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लाई बाय 100। सेम थिंग यहाँ है, एक्सप्रेस एज ए मीटर, मीटर में आपको एक्सप्रेस करना है, दे रखा आपको सेंटीमीटर में, आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा, तो सेम यहाँ करना है हमें, किससे डिवाइड करना है इन सभी नंबर्स को 100 से, तो अब इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपका 15/100, आपको पता है 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 0.15 किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में, इसको लिखोगे आप 6/100, देखो 2 के बाद पॉइंट आएगा तो 0.06 मीटर। नेक्स्ट 2 ऑलरेडी आपका मीटर में है, चेंज किसको करना है आपको 45 को, तो ये 45/100 हो जाएगा तो 2.45 मीटर। नेक्स्ट भी सेम है, 9/7/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9.2 के बाद पॉइंट आएगा 0.07 मीटर। लास्ट है आपका 419/100, तो ये आंसर आएगा 4.19 मीटर। तो देखो ध्यान रखना है कि अगर हम 100 से कर रहे हैं तो पॉइंट 2 के बाद ही आए, अगर सिंगल डिजिट है तो वहाँ पे आगे क्या प्लेस करोगे आप 0। तो ये तो कन्वर्जन आपका दोनों में हमने 100 से डिवाइड किया है, यहाँ हमने कन्वर्ट किया पैसे को रुपीज़ में, यहाँ कन्वर्जन हुआ है सेंटीमीटर से मीटर में। सेम एक आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस एज ए सेंटीमीटर, बच्चे मिलीमीटर को चेंज करना है तो सेंटीमीटर में, तो किससे डिवाइड कर दोगे आप, अगर आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो तो किससे डिवाइड करते हो 10 से, तो वही काम यहाँ करना है, 5/10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, वी विल राइट हियर 0.5, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, दिस इज 60, तो 60/10, देखो 1 के बाद लगाना है तो 0 के बाद आएगा तो 6.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका 164/10, तो पॉइंट आपका प्लेस हो जाएगा कितने के बाद 16.4 सेंटीमीटर। लास्ट 9 सेंटीमीटर 8 है, ये ऑलरेडी आपका सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको एज इट इज़ लिखो और 8 को चेंज कर दो 8/10, तो ये आ जाएगा आपका 9.8 सेंटीमीटर। इजी है ये पार्ट,
नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस एज ए किलोमीटर, आपको क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर। के मैंने आपको पहले भी बताया है, के का मतलब ही क्या होता है, थाउजेंड। अब अगर हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, थाउजेंड से। तो आप इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। देखो यहाँ पे एट है, नीचे थाउजेंड है, तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, तीन के बाद पॉइंट आएगा, आपका एक डिजिट गिवन है 8000 किलोमीटर। बच्चे जब भी आप पॉइंट प्लेस करो प्लीज़ ध्यान रखना कि कितने के बाद पॉइंट आना है, तीन के बाद पॉइंट आना है, तो वी प्लेस देयर थ्री डिजिट 1 2 3। नेक्स्ट आपका 88 गिवन है, तो 88 को लिखोगे आप 88 बाय थाउजेंड। अब दो डिजिट गिवन है तो हम एक ही जीरो प्लेस करेंगे, तो ये हो गया आपका 0.088 किलोमीटर। नेक्स्ट गिवन है आपको 8888, अगर उसको थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो 8.888 किलोमीटर। लास्ट में देखो 70 ऑलरेडी आपका किलोमीटर में गिवन है, तो 70 को एज इट इज़ लिख लो। और ये 5 है, 5 को चेंज करना है किस में, किलोमीटर में, तो 5 डिवाइडेड बाय थाउजेंड, तो 70। देखो तीन के बाद पॉइंट प्लेस करना है और यहाँ पे एक है, अगर एक है तो 5 लिखो और दो जीरो प्लेस कर दो, ये किस में चेंज हो गया आपका, किलोमीटर में। सेम क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, वहाँ पे आपको ग्राम और किलोग्राम दे रखा है, जैसे मीटर एंड किलोमीटर, उसमें भी वही करना है, हमें किससे डिवाइड करना है नंबर को, थाउजेंड से। आपको पता है कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, थाउजेंड ग्राम के। अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो डिवाइड करोगे किससे, थाउजेंड से। अब डिवाइड करो थाउजेंड से तो ये 2/1000 आएगा, और जब पॉइंट प्लेस करोगे तो 002 किलोग्राम। यूनिट प्लेस करना मत भूलना, पीछे किलोग्राम राइट करना है। आप 100 को चेंज करोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा 0.100 किलोग्राम। नेक्स्ट में है आपका 3750, तो 3750 डिवाइडेड बाय 1000, तीन के बाद पॉइंट प्लेस कर दो तो 3.750 किलोग्राम। देखो इस पार्ट में आपका 5 किलोग्राम ऑलरेडी कन्वर्ट है किलोग्राम में, तो इसको लिखो आप एज इट इज़, क्या लिखोगे, 5 प्लस 8 ग्राम दे रखा है, तो 8 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा 5 पॉइंट, देखो तीन के बाद पॉइंट आना है 008। एक डिजिट गिवन था, दो नहीं गिवन थे, तो ज़ीरो प्लेस किया, तो एक इसमें चेंज हो गया अब आपका किलोग्राम में। नेक्स्ट आपका देखो 26 है, तो 26 प्लस 50 ग्राम, 50 को डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा आपका 26। देखो दो पहले से गिवन है, एक हमें जीरो प्लेस करनी है, तो 050 किलोग्राम। बट आपको यूनिट पता होने चाहिए, सबसे पहले वो यूनिट ज़रूर राइट कर लेना। आपको पता है जितनी भी मैंने यूनिट लिखे वो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, 5th क्लास में बहुत अच्छे से की थी, बट अगेन रिवाइज कर लेना कि आपका 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, थाउजेंड किसके इक्वल, थाउजेंड मीटर के। 1 किलोग्राम भी किसके इक्वल होता है, थाउजेंड ग्राम के। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं आपके, मिलीमीटर देखेंगे तो 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये 3-4 यूनिट हैं, और एक पैसे वाला और लिख लो, 1 रुपीज़ में कितना पैसा है आपका, 100 पैसा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको वापस से रिवाइज़ करनी है, ऑलरेडी आप की भी आपने 5th क्लास में, बट फिर से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, एंड डू दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन यूनिट्स। हैव अ गुड डे।